ओके गाइस चल के देखते हैं हमें कितनी लूट मिली है। ओ भाई साहब इतनी लूट। तो गाइस आपको बताता हूँ कि ऐसे बनाते फिश फार्म, तो इस तरीके से बिल्ड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए ऐसे 3 का बनाना है हमको और 3 ब्लॉक टॉल होना चाहिए ये। ओके गाइस देखिए इस तरीके से बना लीजिएगा। तो फिर हम लोग को फिर यहाँ बीच वाले में मेरे भी 3 ब्लॉक लगाने हैं, फिर यहाँ एक चेस्ट लगाना है, फिर हम लोग कोई सा भी साइन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं ओक वाला यूज़ करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे ओक वाला साइन बोर्ड लगा देते हैं। इस तरीके से लगाना, फिर यहाँ पीछे ना हमें चेस्ट के ऊपर आना है और यहाँ से पानी लगाना है स्निक करके, पीछे ऐसे मछली लगा देने में। तो ध्यान रखना का कि मछली को कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर ऐसे ब्लॉक लगाना है, फिर यहाँ से हमको नीचे आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लिया हमारे खड़े होने के लिए, और यहाँ बनेगा हमारा कलेक्टिव सिस्टम। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके जल्दी जल्दी जल्दी। ओके गाइज मैंने स्पेस बना लिया, तो फिर मैं यहाँ पे चेस्ट लगाता हूँ उसके बाद। फिर हमें ऐसे हॉपर लगाना है, फिर यहाँ एक साइन बोर्ड लगाना है, फिर हम लोग को फिर से ऊपर जाना है गाइज। तो ऊपर चलने के बाद फिर हम लोग को ना यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना होगा, फिर मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको लगाना है। याद रखिएगा पहले चेस्ट, हॉपर, फिर साइन बोर्ड। फिर यहाँ पे मैं ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर एक रेल और एक माइन कार्ट विद हॉपर रख के उसे तोड़ देना है, फिर नीचे चल जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर हम यहाँ पे उसको फिर से कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग ना नीचे रखे ना उस रेल को उठा लेंगे। और क्या हो गया ये, कोई बात नहीं, फिर से चलता हूँ ऊपर। ओके ये मैं बंद कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके गाइस ये हो चुका है बंद। ओके मैं जल्दी से यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिएगा इसको यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगा के बंद कर देंगे ताकि ना माइनक्राफ्ट बाहर ना गिरे। और ये देखिए चेस्ट के अंदर से मैं ये निकाल लेता हूँ रेल। तो ये गाइस हम फिर से ऊपर चलते हैं। फिर यहाँ पे ना आपको एक ब्लॉक लगाना है थोड़ा सा दूर। उसके बाद फिर इस जगह पे हमें लावा लगा देना है, बस याद रखना लावा में मत गिर जाना। फिर हम लोग को फिशिंग रॉड चाहिए होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करते हैं। फिर हमें ना फिशिंग रॉड साइन बोर्ड के ऊपर मारना है, याद रखना साइन बोर्ड के ऊपर मारना है फिशिंग रॉड, कहीं और नहीं मारना। ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और यहाँ आ जाएगी चेस्ट में, देखिए। तो फिर मैं अभी बहुत देर तक वहाँ फिशिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितनी लूट मिली है। ओके मैं फिशिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना गाइस लावा मत गिरना। देखिए साइन बोर्ड पे ऐसे मारना है, फिर मैं फिशिंग करने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखिए इस तरीके से कलेक्ट हो जाती है। और याद रखना हमें सैलमन मछली यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई और सी मछली यूज़ नहीं करनी, उन्हें वर्क नहीं करेगा। तो गाइस मैं बहुत देर तक AFK कर चुका हूँ, तो अभी मैं ये वाली फिशिंग मिस हो जाए, फिर चेक करते हैं लूट। ओके ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा अमेजिंग लूट मिली है हमको। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं MCP के अंदर गोल्ड फॉर्म, और ये एक MCP का फॉर्म है, तो आप इसे आराम से अपने पॉकेट एडिशन में बनाइए। बाय बाय।